माध्यम से मैं आप सभी लोगों का YouTube पर स्वागत करता हूं। मेरी आज वीडियो उस वीडियो से रिलेटेड है जो आजकल बहुत प्रचलित है। मैं उसको फेक वीडियो की श्रेणी में रखता हूं, क्योंकि उसमें आप सब लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि रिलायंस जियो की इंटरनेट स्पीड हम बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी स्पीड होती है वो डिपेंड करती है उसके बैंडविड्थ पर, डिपेंड करती है उसकी टावर पर, कंजेशन पर। तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि हम किसी नेट की स्पीड को बढ़ा सकें। हाँ, ये हो सकता है कि आज हम इस टावर से लिंक कर रहे हैं और उसका नेट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसके दूसरे टावर से लिंक करते हैं अपना मोबाइल, तो उस टाइम आपकी स्पीड जरूर बढ़ सकती है, क्योंकि वो उस पर डिपेंड करता है कि कितने कस्टमर उस टाइम पर नेट यूज़ कर रहे हैं उस टावर का यूज़ करके। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि उसमें क्या बताया गया। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उन फेक वीडियोज़ में क्या बताया गया, किस तरीके से उन्होंने रिलायंस जियो की नेट स्पीड को इंक्रीज़ करा। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इस टाइम एक्चुअल में कितनी स्पीड आ रही है। तो टेस्ट को हम बिगिन करते हैं और ये चेक करते हैं कि डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड कितनी है। ये देखिएगा, डाउनलोडिंग स्पीड यहां पर स्टार्ट हो चुकी है, इसका एवरेज भी हम चेक करते हैं। इस टाइम जो एवरेज आ रहा है वो है 303.0 केबी पर सेकेंड। अपलोडिंग की स्पीड भी स्टार्ट हो चुकी है यहां पर, इसका भी एवरेज चेक कर लेते हैं हम, जो है 585.2 केबी पर सेकेंड। अब उस वीडियो के अंदर क्या बताया गया था कि उन्होंने ये बताया था कि इसकी स्पीड को हम इंक्रीज कर सकते हैं 4 to 10 टाइम्स तक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उन्होंने किस तरीके से, क्या तरीका बताया था कि स्पीड को इंक्रीज करने का। तो उन्होंने बताया था, पहले आप सेटिंग्स में जाइएगा, सेटिंग्स में मोर के अंदर मोबाइल नेटवर्क एक्सेस पॉइंट नेम्स जियो नेट, और उसके बाद उस वीडियो के अंदर बताया गया था कि आप APN प्रोटोकॉल, अगर आपका IPv4 है उसे चेंज करके आप IPv4/IPv6 कर दीजिएगा। सेम यहां पर APN रोमिंग प्रोटोकॉल करना है, जो हमें इसमें IPv4/IPv6 पर ही करना है। अब उस वीडियो के अंदर बताया था कि हम स्पीड टेस्ट करते हैं। चलिए अब हम इसका स्पीड टेस्ट करते हैं दोबारे से और देखते हैं क्या स्पीड इंक्रीज करी या नहीं करी। अब टेस्ट स्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं हमने सेटिंग में जो चेंजेस करे हैं उससे स्पीड में क्या असर पड़ता है। ये हमने टेस्ट स्टार्ट कर दिया है, देखिएगा डाउनलोडिंग स्पीड अब इस टाइम MBPS में कन्वर्ट हो चुकी है। ये देखिएगा 0.94 MBPS, और अपलोडिंग स्पीड भी देखिएगा 2.24 MBPS। इसका मतलब यह है कि स्पीड में बहुत अंतर आ चुका है। जहां पहले डाउनलोडिंग KBPS में चल रही थी, यहां पर MBPS में चल रही है, सेम अपलोडिंग के लिए यहां पर है। यह वीडियो बनाया गया था जिसे मैं फेक वीडियो बोलता हूं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम इंटरनेट की स्पीड नहीं इंक्रीज कर सकते। मोबाइल में ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम इसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकें। तो मैं आपको ये बताता हूं कि उन्होंने यहां पे क्या ट्रिक करा, किस तरीके से KBPS को MBPS में कन्वर्ट करा। एक्चुअली ये जो सारा खेल है ये सेटिंग्स का है। अगर हम यहां पे देखते हैं स्पीड टेस्ट में जाकर, तो सेटिंग्स में यहां पर MBPS और KBPS में दे रखा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो MBPS होती है वो कनेक्शन स्पीड होती है कि हमारा नेट कितनी स्पीड में कनेक्ट हुआ, और एक्चुअल में जो KBPS होती है वो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग होती है। तो मैंने इस टाइम यहां MBPS पे कर रखा है और हम स्पीड टेस्ट करते हैं, तो देखिए क्या चेंजेस आते हैं। दोबारा से हम स्पीड टेस्ट करते हैं, ये देखिएगा इस टाइम आपकी जो कनेक्शन स्पीड आ रही है वो है MBPS में, और ये आप देखिएगा डाउनलोडिंग कितना आता है। ये देखिएगा यहां पर डाउनलोडिंग स्पीड है 2.93 MBPS, यानी KBPS में नहीं है इस टाइम, MBPS में डाउनलोड हो रहा है। ऐसी अपलोडिंग पे आते हैं हम, ये देखिएगा अपलोडिंग भी कितना आ रहा है हमारा, 4.21 MBPS, यानी कि यहाँ MBPS में अपलोडिंग और डाउनलोडिंग हो रही है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये तो कनेक्शन स्पीड थी, हम एक्चुअल डाउनलोडिंग स्पीड देखते हैं KBPS में। अगर हम इसे कनेक्ट करते हैं दोबारा से,
इसे रिफ्रेश करके टेस्ट अगेन करते हैं, देखिएगा। ये देखिएगा दोस्तों, अब आपके सामने मैंने प्रूफ दे दिया है कि हम नेट की स्पीड को चेंज नहीं कर सकते हैं, और अब आपके सामने यहां केबी पर सेकंड की स्पीड आ रही है। एक्चुअल स्पीड ये है हमारी डाउनलोडिंग की 294.4 केबी पर सेकंड, ना कि एमबीपीएस में। यहां देखिएगा अपलोडिंग भी देखिएगा, ये देखिएगा अपलोडिंग स्पीड है हमारा 475.0 केबी पर सेकेंड। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड एक्चुअल ये है, ना कि एमबीपीएस में। एमबीपीएस में हमेशा कनेक्शन स्पीड आती है कि वो कितनी बैंडविड्थ पर यहां पर कनेक्ट हुआ है। अगर हम इस सेटिंग्स में जाके देखना चाहें तो इसकी एमबीपीएस कनेक्शन स्पीड हम चेक कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाइए, एमबीपीएस में क्लिक करिए और स्पीड टेस्ट में आप देखिएगा कि कितनी कनेक्शन स्पीड पर हमको डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड मिल रही थी, ये देखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एक्चुअल में जितनी भी यूट्यूब पर जो वीडियोज़ हैं वो सब फेक वीडियोज़ थी, जिसके अंदर रिलायंस जियो की नेट स्पीड को उन्होंने इंक्रीज करा, जो पॉसिबल नहीं है। ये सारा जो स्पीड होती है वो डिपेंड करता है कि कितने कस्टमर कनेक्ट हैं उस टावर से, जिस टावर से आपका मोबाइल कनेक्ट है। हम बैंडविड्थ से ज़्यादा डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड नहीं गेन कर सकते हम यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आप लोगों की जिज्ञासा को शांत करना चाह रहा था कि हम स्पीड को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें जीटी फ्यूचर टेक्नोलॉजी को। मैं दोबारा हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। ओके बाय, हैव अ नाइस डे। दोस्तों मेरे चैनल का काम है आपको सही वीडियो प्रोवाइड करना, ना कि कोई भ्रामक वीडियो देना। आप देख भी सकते हैं कि मेरे चैनल में जो वीडियोस हैं वो फन वीडियोस हैं, मोटिवेशनल वीडियोस हैं, और कुछ टेक्निकल रिव्यूज भी मैंने वहां पर पोस्ट कर रखा है। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि मेरी वीडियो किसी किसी को पसंद ना आए, लेकिन मेरी आपसे यही गुजारिश है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आती है तो प्लीज कमेंट जरूर करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें जीटी फ्यूचर टेक्नोलॉजी को। सब्सक्रिप्शन के लिए मैं आपको बता देता हूं, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो स्क्रीन के नीचे ही रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो कंप्यूटर के भी बॉटम साइड में सब्सक्राइब बटन होता है, जिस पर आप क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। We'll be right back.